नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना खाता नंबर बिना अंगूठा लगाए किसी भी बैंक का आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बिना फिंगर और बिना खाता नंबर का बैंक का बैलेंस चेक नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा, आपको एक एक स्टेप बताऊँगा और ये वीडियो रियल है और आप अपने बैंक का किसी भी बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं बिना खाता नंबर बिना अंगूठा बिना फिंगर लगाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये वीडियो रियल है और आप लोगों की तरफ से थैंक यू का कमेंट जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना है। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ऑल बैंक बैलेंस लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कौन सा एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको। देखिए डाउनलोड भी हो गया, ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर डाटा कलेक्शन होगा, तो इसको एग्री कर लेना है। जैसे ही एग्री कीजिएगा तो ऊपर में आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक है। जैसे मेरा HDFC है और स्टेट बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे HDFC बैंक और स्टेट बैंक हम ढूंढेंगे, तो कहाँ पे है, यहाँ पे स्टेट बैंक S में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक बैंकर, तो हम यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ढूँढ लेते हैं। उसके बाद HDFC भी हम देखेंगे, ये है स्टेट बैंक, ठीक है। जैसे ही स्टेट बैंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेट बैंक आ गया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे खाते का जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे लाइव चेक होगा, ठीक है। तो ये तो पैसा चेक करने का तरीका हो गया, आपने देख लिया। उसके बाद अब आपको जो है अब आपको दूसरा बैंक का देखना है। जैसे मैं HDFC का बताता हूँ तो HDFC बैंक का भी देख लीजिए। तो यहाँ पे HDFC बैंक कहाँ पे है, ये IDFC ये है, ठीक है। और इधर देखिए HDFC बैंक आ गया, ठीक है। तो आप देखिए खाते में कितना बैलेंस है, इतना बैलेंस है। तो आपने देखा किस तरीके से बैंक का बैलेंस जो है चेक हो गया। ऊपर में देखिए ये बैंक का बैलेंस चेक हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका हो गया बैंक का बैलेंस चेक करने के बिना खाता नंबर और बिना फिंगर का। लेकिन ये जो चेकिंग होगा, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक है आपका इसी फ़ोन में लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। SBI बैंक का अगर देखना चाहते हैं तो उसको मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ता है, जो कि क्यूक ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और सबसे पहले आपको अकाउंट सर्विस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है आप अकाउंट नंबर डाल के सबमिट कर दीजिएगा, मैसेज सेंड हो जाएगा और क्यूक फैसिलिटी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद ऐप डाउनलोड करके पैसा चेक कीजिएगा। ये हो गया स्टेट बैंक का। HDFC बैंक में आपको एक नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है, यहाँ पे नोट कीजिए नंबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ SMS सेंड करने का, यहाँ पे नंबर टाइप कीजिए 5676712, ये नंबर है, इस पर आपको मैसेज सेंड करना है। सिंपली आपको जो नंबर बैंक में लिंक है उसी नंबर से आपको मैसेज करना है, कैपिटल वर्ड में BA और L लिख के सेंड कर देना है। ये काम सबसे पहले तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने देखिए मैसेज आ गया है लाइव में, आपने देखा यहाँ पे पैसा चेक हो गया खाते का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है सबसे पहला काम कर लेंगे, उसके बाद जो है ऐप डाउनलोड करके अपना पासबुक और पैसा चेक कर सकते हैं।